मैं निलुआ भट्टो नगर आनंद नगर से बोल रही हूँ। 17 तारीख को सुबह में मेरी मम्मी अचानक से पता नहीं क्या हुआ वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद हम लोग उनको मतलब बहुत हिला डुला रहे थे, कुछ आवाज़ नहीं दे रही थी, तो हम लोग उनको सत्यवाला हॉस्पिटल है हम लोग का हावड़ा जी जी रोड में, वहाँ हम लोग उनको लेकर गए सत्यवाला हॉस्पिटल में। वहाँ वो लोग एडमिट लिए, एडमिट लेने के बाद में सिलाइन उलाइन दिए, देने के 10 मिनट बाद मेरी मम्मी ठीक हो गई थी। ठीक होने के बाद में उन लोग डॉक्टर खुद बोले कि इनका शुगर लो हो गया था और प्रेशर लो था, क्योंकि शुगर की पेशेंट थी, थायराइड भी था उनको, उनका लो हो गया था। होने के बाद में वो लोग बोले 10 मिनट बाद अपनी मम्मी अच्छी हो जाएगी, सिलाइन ख़त्म होगा, आप लेकर जा सकती है अपनी मम्मी को। फिर हम लोग बोले ठीक है। तो फिर उन लोग अचानक क्या हुआ, वो लोग कुछ देर बाद वो लोग बोले कि जब लेकर आए हॉस्पिटल में अभी तो ऐसा हो रहा है तो इनके एक बार चेकअप कर लेते हैं। हम लोग उसमें भी राजी हुए, बोले ठीक है हाँ करा लेंगे। तो उस वक्त मेरी मम्मी खुद बोली सामने से कि हम कहाँ पर है, जब उनको होश आया वो बोली कि तुम लोग मुझे कहाँ लेकर आए हो, तो बोले मम्मी आपको हॉस्पिटल लेकर आए हैं, अचानक आप बेहोश हो गई थी, वो इतना बोली। फिर जब हम लोग उनको दूसरा हॉस्पिटल में उनको ट्रांसफ़र किया गया वहीं से, वो लोग बोली कि इसे यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग, वहाँ ले जाइए, वहाँ उनका टेस्ट होगा। हम लोग मेरे मम्मी को, मेरे भैया, हम लोग सब लोग मेरे मम्मी को वो गोलाबड़ी के पास में ILS हॉस्पिटल है वहाँ पर हम लोग लेकर गए मेरे मम्मी को। जब मम्मी को एम्बुलेंस जब लेकर अंदर जा रहे मम्मी को, उस रास्ते में जाते वक्त मेरी मम्मी उठ के बैठी भी, बात की, उस वक्त भी मेरी मम्मी बोली कि तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो हम लोग मम्मी को बोले देखो मम्मी ये जगह है, हम लोग एक टेस्ट के लिए लेकर जा रहे हैं, तुम 2-3 दिन बाद वो लोग छोड़ देंगे, सब ठीक हो जाएगा, टेस्ट करके वो लोग छोड़ देंगे। जाते वक्त मेरी मम्मी हम लोग को बोली तुम लोग अपना ध्यान रखना। उसके बाद जो मम्मी मेरी अंदर गई, अंदर जाने के बाद में 17 तारीख के बाद से हम लोग को कोई खबर, मम्मी का कोई पता नहीं मिल रहा था, कुछ अता पता नहीं था। जाने के बाद में हम लोग कितना कोशिश कर रहे थे, मम्मी का कोई खबर नहीं मिल रहा था। 20 तारीख के दिन हम लोग के घर के सामने सब पुलिस आए, आस पड़ोस के लोग आए, आकर सब हंगामा करने लगे कि हम लोग कोरोना के ये है, संक्रमित है, आकर यहाँ पर वो लोग हंगामा करने लगे, हम लोग को बाहर निकलना सब कुछ बंद किया। हम लोग बोले ठीक है, मेरा जब पेशेंट भर्ती है इस तरह से कोई बात नहीं है, आप लोग जैसा बोलेंगे हम लोग वैसा करेंगे, लेकिन मेरा पेशेंट का रिपोर्ट तो आना चाहिए, कोई ऐसा रिपोर्ट कुछ ऐसा उस वक्त कुछ नहीं आना चाहिए था। क्योंकि उसके एक दिन पहले हम लोग कॉल किए थे, मैंने एक नंबर से फ़ोन आया था, बोला कि आपके मम्मी को हम लोग वेंटिलेटर में रख रहे हैं। हम लोग पूछे क्यों, बोले कि उनका सांस का प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए। हम लोग बोले कि सर वो तो उस समय ठीक थे, उनके तो प्रेशर का मतलब शुगर फॉल्ट हुआ था। तो बोले नहीं हम लोग दिए, हम लोग ठीक है कोई बात नहीं। उसी नंबर पे जब हम लोग 20 तारीख को जब पुलिस आकर यहाँ पर हंगामा किए, हम लोग कॉल किए, कॉल करने के बाद में वो लोग बोल रहे कि नहीं हम लोग यहाँ से कोई पुलिस कुछ नहीं भेजे हैं, आपकी मम्मी तो अभी भी मतलब वेंटिलेटर में हम लोग रखे हैं। इस तरह से बोलते बोलते यहाँ भी हंगामा लोग कर रहे थे, फोन पे फोन आ रहा था, सब नाम पूछ रहे, एड्रेस पूछ रहे, वो इतना हम लोग मतलब टॉर्चर हो रहे थे, उधर मम्मी के लिए बार बार पूछ रहे थे। अचानक से 12 बजे के करीब कॉल आया कि मेरी मम्मी नहीं है, डेथ कर गई। हम लोग पूछे सर क्या हुआ उनको, कैसे, बोले कि हार्ट अटैक किया, हार्ट अटैक पहले बोले वो लोग। फिर उसके कुछ देर बाद आधा घंटे बाद हम लोग जब बोले जब हम लोग को मम्मी का ये भेजिए कि जी हम लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पर हो रहा है, फिर वो लोग एक रिपोर्ट भेजे उसमें पॉजिटिव दिखाया है कि उनको है। उसके बाद में वो लोग यहाँ पर पुलिस लोग, प्रशासन लोग, ये लोग सब आए थे, हेल्थ सेंटर के सब दीदी लोग, वो लोग बोल रही थी कि आपके फैमिली में भी हम लोग लेकर जाएंगे आप लोग सबको। हम लोग बोले हाँ हम लोग जाने के लिए राजी है। मेरा मम्मी का जब ऐसा हुआ, मम्मी को तो देख नहीं पाए, ना बॉडी दिया गया ना कुछ, हम लोग को देखने का कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। उसके बाद में हम लोगों को भर्ती मैंने बोला गया कि हम लोग को पूरा फैमिली को ले जाएंगे। हम लोग 19 फैमिली थे, मम्मी मेरी 20 थी, वो तो डेथ कर गई, 19 फैमिली हम लोग थे। उसके बाद में हम लोग को बोला गया कि हम लोग को लेकर जाया जाएगा, क्वारंटाइन में रखा जाएगा, उसके बाद हम लोग का भी टेस्ट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन सिर्फ मेरे पापा को और मेरी तीन भाभी, मेरे तीन भाई हैं, मैं इस घर की बेटी हूँ, मेरे तीन भाई हैं, तीन भाभी हैं, उनके सारे बच्चे हैं, सिर्फ लेकर गया मेरे पापा को, क्योंकि मम्मी डेड कर गई, सिर्फ मेरे पापा को लेकर गया और मेरे तीन भाभी को लेकर गए, ले जाकर वो लोग क्वारंटाइन में बाली में पता नहीं कहाँ वो लोग रखे, कुछ पता नहीं है। मेरी भाभी फोन लेकर गई थी बोलकर हम लोग भाभी से फोन में जानकारी ले रहे थे। ले जाने के बाद में हम लोग यहाँ सील है, पूरा अंदर बंद है,
खाना पीना हम लोग का कोई चीज का मतलब आसपास के लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग दीजिए कोई दुकान से, हम लोग आपको पैसा दे देंगे बाद में, या फिर ऑनलाइन लीजिएगा तो हम लोग दे दे रहे जैसा जो हो। अभी हम लोग का परिस्थिति ऐसा है कि अब उस दिन के बाद से क्वारंटाइन में परसों दिन जो 20 तारीख को लेकर गए उन लोगों को, लेकर जाने के बाद में मेरे पापा को कल वहां से, मेरी 3 भाभी वहां पर है और मेरे पापा को कल वहां से संजीवन बोलकर कोई हॉस्पिटल है, हम लोग को मालूम नहीं है वो कहाँ पर है, वहां लेकर गए हैं मेरे पापा को। लेकिन मेरे पापा का भी कोई खबर, कोई आता पता हम लोग को नहीं मिल रहा है। मैं आप लोग से हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से सबसे हाजिर के विनती कर रही हूँ कि हम लोग अभी क्या है नहीं है हम लोग अपना बाद में देखेंगे। मैंने माँ को तो खो दिए, प्लीज मेरा पापा कहाँ है कैसे है उनका आप लोग मुझे खबर दीजिए प्लीज, मैं जानना चाहती हूँ पापा। मेरा मम्मी का तो सदा हाथ टूट गया हम लोग का, लेकिन मेरा पापा का तो खबर दे दे, फोन कर दे, कोई खबर नहीं मिल रहा। सिर्फ हर सुबह से 10 से 20 बार जितना घर पे फोन है सब फोन पे फोन आ रहा है, सिर्फ पूछे जा रहे हैं वो आपके कौन है, वो आपके कौन है, अजय साहब कौन है, सूरज साहब कौन है, सिर्फ फोन पे फोन से पूछा जा रहा है, बस सिर्फ इतना वो लोग खबर ले रहे हैं। लेकिन जब हम लोग पूछ रहे कि मेरा पापा के बारे में कुछ बताइए, कुछ नहीं बता रहे। मम्मी को तो खो दिए, लेकिन प्लीज मेरे पापा कैसे हैं, मेरे पापा का खबर एक बार दिला दीजिए। 3 भाभी तो अभी क्वारंटाइन में है, उन लोग के पास फोन है, खबर मिल रहा है, लेकिन मेरे पापा कहाँ गए, कहाँ लेकर गए वो लोग कुछ नहीं पता है। प्लीज मम्मी को ले जाने के आगे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि लेके जाइए इसको, जो सुस्त है उठ के आए हैं बैठ के आए हैं। मम्मी को कहा हॉस्पिटल के अंदर ले जाने के आगे तो वो पुलिस ने बैठ के मम्मी आई है, मम्मी को बोली कि आप ले जाइए मम्मी को, अपने मम्मी को, आपके मम्मी सुस्त है, आपकी मम्मी को कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है, ले जाइए। फिर एम्बुलेंस वाला ड्राइवर है लोग बोले जो स्टील ऊपर ने घुसा दिया, बोले इसको ले अंदर लेना पड़ेगा आपको। मम्मी को बोला कि हम लोग ठीक है, तो मम्मी बोला कि ठीक है इसको ले जाइए, बोले नहीं डॉक्टर लोग बोला कि ले जाइए इसको, नहीं तो जो स्टी एम्बुलेंस वाला घुसाया ड्राइवर लोग अंदर घुसाया, लेना ही पड़ेगा, हम लोग लेकर नहीं जाएंगे, उनको घर लेकर नहीं जाएंगे। उसके बाद मेरा मम्मी हमसे बात भी की, बेटा गर्म पानी पीना और कुल्ला करना अच्छा से और ठीक से रहना। और मेरे मम्मी हाथ भी अपने हाथ से सिलाई पकड़ के ले गई, जियो रूबी चीवे अपने से बैठी है सर। जब मम्मी को लोग डेट करके जब पॉजिटिव बोला, सब लोग आए यहाँ पर हंगामा किए ले जाने के लिए कि ले जाएंगे ये कर देंगे, तो लेकर गए तो हम लोग को तो सबको लेकर जाना चाहिए था ना, कि हाँ हम लोग तो सब टच में थे, सबको लेकर जाना चाहिए था, सबको नहीं सिर्फ मेरे 3 भाभी और पापा को लेकर गए। और ले जाने के बाद में वहाँ 2 दिन तक थे, कल मेरे पापा को वहाँ से वो लोग ट्रांसफर किए संजीवन हॉस्पिटल बोले, लेकिन कहाँ है क्या है कोई नंबर कोई अता पता, नेट से हम लोग निकाल कर संजीवन हॉस्पिटल में फोन भी कर रहे हैं बताइए, बोले हम लोग ऐसा कुछ नहीं बता सकते, यहाँ ऐसा कौन क्या है नहीं हम लोग नहीं जानते, अब अपना कहीं और से पता कीजिए, इस तरह से हम लोग को बोला जा रहा है। मानते हैं कि अभी ऐसा परिस्थिति है, लेकिन अगर घर के किसी भी सदस्य अगर हॉस्पिटल में भर्ती होता है, आप लोग मिलने नहीं दे रहे वो मैं समझ रही हूँ इस परिस्थिति में, लेकिन ये तो व्यवस्था होना चाहिए ना कि घर के लोग कैसे है नहीं, उन लोग को एक बार ये खबर मिलना चाहिए, ये तो कम से कम करना चाहिए। लेकिन ये आप लोग कोई चीज का नहीं हो रहा है, ये प्रशासन का ये चीज बहुत गलत है, ये हम लोग को खबर देना चाहिए क्योंकि हम लोग एक जान खो चुके हैं, ये दूसरा जान पापा जाने के बाद अब नहीं लगता कि मेरे पापा लौट के आएंगे क्योंकि वहां पता नहीं क्या इलाज कर रहे हैं वो लोग। ये हम लोग तो वीडियो में बहुत सारा चीज देख रहे हैं कि किस तरह से एक बॉडी है वहां पे, दूसरे लोग भी मरीज पड़े हुए हैं, इलाज कैसा क्या हो रहा है नहीं हो रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई इंसान सुस्त भी अगर होगा तो वहां जाने के बाद तो वो लोग तो और क्या, वो लोग बीमार रहेंगे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्वारंटाइन में भी मेरी 3 भाभी है, वो लोग भी ठीक से नहीं है, वहां पर भी लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, कपड़ा से खाना से हर चीज में प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ से हम लोग घर से कपड़ा भेजने का व्यवस्था करवा रहे थे, उसके लिए भी पुलिस प्रशासन सबको कॉल कर रहे थे कि आप लोग उठाने का तो उठा कर लेकर चले गए भाभी लोग को, लेकिन उन लोग का जो कपड़ा है पहनने का ये वो जो हम लोग देना, वो लोग वहां से मांग रही है उन लोग की जरूरत की चीजें, हम लोग से फोन करके जो मांग रही है वो चीज कौन लेकर जाएगा। आप लोग तो हम लोग को सील कर दिए इस रूम में, हम लोग को बैठा कर बंद कर दिया, लेकिन उन लोग को वो सामान कौन पहुंचाएगा,
सबको कॉल कर रहे थे, कोई किसी का कोई आता पता नहीं था, कोई खबर नहीं, हम नहीं जानते, सब बोलते हम नहीं जानते। हम लोग उठाने के समय तो आप लोग सब आ गए कर लिए, और सिर्फ चार जन को उठाकर आप लोग का काम हो गया। और इतना फैमिली, हम लोग घर में 14 फैमिली है, ये छोटे छोटे बच्चे है, ये 5 साल की, 1-4 साल की बच्चे अभी सोई हुई है, सब मम्मी मम्मी कर रही है, इन लोग की मम्मी, तीनों की मम्मी सब हॉस्पिटल वहाँ क्वारंटाइन में है, ये लोग इतने छोटे छोटे बच्चे सब, ये देखिए ये 6 साल का बच्चा है, ये है 7 साल का बच्चा, ये लोग अगर इस तरह से रहेंगे, इन लोग को मुझे संभालना करना पड़ रहा है, पर ये लोग मम्मी मम्मी कर रही है, इन लोग को मैं कहाँ से इन लोग की मम्मी ला कर दूँ अभी। तो इन लोग को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए ना कि सब हम लोग टच में थे, इन लोग को सबको लेकर जाना चाहिए था, सब टच में थे, ये लोग क्या प्रशासन क्या कर रही है लोग। और एक बार सिर्फ बहुत बोलने के बाद में, पुलिस को बहुत बोलने के बाद में कि हम लोग का खाना यहाँ पर चावल आटा मेरी मम्मी हम लोग के लिए रख के करके गई थी, लेकिन और भी सामान होते हैं जैसे आलू हुआ, बच्चे लोग बिस्कुट मांग रहे खाने के लिए, दूध मांग रहे, बिस्कुट मांग रहे, दूध मांग रहे, इन लोग का अब हम लोग को तो साफ सुथरा रखना पड़ेगा, घर के जो छोटे मोटे जो सामग्री है ये लोग वो लोग मांग रहे कर रहे हैं, साबुन डिटेल नहाने का सरफ, ये सब चीज हम लोग मांग कर रहे हैं, तो हम लोग को कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ हम लोग को पुलिस बहुत बोलने के बाद में हम लोग जो सामान मांगे थे, हम लोग बोले कि हम लोग का चावल आटा नहीं लगेगा, हम लोग अभी है घर पे, हम लोग जो जरूरतों की चीज, बच्चों की चीजें हैं जो लोग मांग रहे हैं वो आप दीजिए अभी, फिर भी वो लोग सिर्फ आटा चावल दाल और आलू दिए है, उसमें पूरा कीड़ा लगा हुआ था, उसके बाद से फिर वो लोग अब कुछ नहीं किए, कोई खबर नहीं है। आप लोग से हाथ जोड़कर अभी एक ही विनती है कि मेरे पापा कहाँ है प्लीज, वो हम लोग को पता करके हमारे नंबर पर कॉल करके बताइए प्लीज। इस वीडियो को बहुत वायरल, लिलवा थाना में किसी भी जगह पे, हम लोग लिलवा थाना में, लिलवा भट्टो नगर आनंद नगर में रहती हूँ, कैसे भी है वो लोग से बोलकर मेरे पापा का सिर्फ पता लगवाइए और बताइए। लिलवा थाना से मेरा पापा का आधार कार्ड लिंक लिया गया है, हाँ, लेने के बाद बोले उनको वहाँ भर्ती करना है, उसके बाद उनको कोई पता नहीं है, कोई फोन नहीं उठा रहा लेवर थाना से कि कैसा है नहीं है मेरे पापा, हाँ नहीं हम लोग से कोई बात करने दिया जा रहा है पापा से, पापा कहाँ है किस जगह हम लोग को नहीं मालूम है, आप थोड़ा छिपा करके पता करिए कि कहाँ आप लोग मेरे पापा है, मेरा सरकार से गुजारिश है, हाँ आप लोग देखिए मेरे पापा कहाँ है, और ये वीडियो को बहुत वायरल कीजिए।